यार बोल। हाँ तो कृष्णा ने किस चीज़ की तैयारी कर रखी है? कृष्णा एक्चुअली फर्स्ट टाइम लड़के को प्रपोज कर रही है, तो इसके लिए इतना तामझाम पूरे घर को सजा कर रही है, और मतलब सारा चीज़ आई लाइक यू, आई लव यू, आई मैरी यू, सब साथ में ही बोल दिया। तो ऑब्वियसली तीन चीज़ों का प्रपोजल जब साथ में होता है तो लड़ाई होती है। जैसे अगर देखा जाए तो डेहरी को पूरी गली फैमिली है कि शायद ये कृष्णा का बर्थडे है करके, तो इसलिए घर में इतना ही पता है। हाँ उसको लगा, पर उसकी गलत फैमिली मैंने तुरंत दूर कर दिया, और जो दिल में फीलिंग्स थी काफ़ी टाइम से तो वो बता दिया। तो कृष्णा को क्या लगता है, वो डेहरी को कन्विंस कर पाए? मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा को ज़रूर कन्विंस कर लेगी। अच्छा वैसे अगर बेबीना के लिए कहीं डांस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर डांस का सीक्वेंस हो तो खुशी तो मिलती है? अरे भाई हाँ, मुझे खुशी तो ज़रूर मिलती है, मुझे एफर्ट भी डालना नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा सीक्वेंस था और पूरी चीज़ को गाने के साथ किया, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बिल्कुल भी लगा कि आई हैव टू थिंक कि कैसे करना है। मैंने उसको सीमलेसली कर दिया बिकॉज इट वॉज मोर लाइक अ डांस थिंग एंड डांस इज देयर इन माई ब्लड। फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनली ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बहुत एकदम क्या बोलते हैं तलवार के नोक पे आके खड़ा कर दिया मैंने सबको, और बहुत मुश्किल है यहाँ पे संतोषी का सिचुएशन क्योंकि कृष्णा ने शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। तो प्लीज़ देखते रहिए ये जानने के लिए कि ऑटोमेटिकली शादी हो जाता है कि नहीं, और कृष्णा कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और पोलियो भी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। मैं क्योंकि आज मैं कृष्णा हूँ तो मैं कृष्णा के बिहाव ही बोल रही हूँ, तो आप जब पोलियो के सेट पर आएंगे तो मैं पोलियो के बिहाव बोलूँगी। थैंक यू।